स्वागत है आप सबको फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल रिम्बिक को लौरे पर। तो दोस्तों वैसे मैंने पहले ब्लॉग पे बताया था कि मेरा पार्ट टू भी आएगा, तो ये है पार्ट टू ब्लॉग। आज से मैं पार्ट टू ब्लॉग शुरू करने जा रहा हूँ। ये मेरा दूसरा ब्लॉग होगा गाँव का, क्योंकि इस बार मैं दो से ज़्यादा ब्लॉग नहीं कर पाऊँगा शायद गाँव का, और ज़्यादा ज़्यादा शायद एक कर तीन ब्लॉग कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है। आना जाने का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है मेरे को। फिर मुझे यहाँ से करसिंग भी जाना है, फिर करसिंग जाके फिर वहाँ से कालिम्पोंग के लिए भी जाना है। तो इस बार छुट्टी कम काम ज़्यादा है मेरा, इसीलिए अभी गाँव में भी दो चार दिन से ज़्यादा रुक नहीं पाया हूँ। तो आज मेरा दूसरा ब्लॉग है, तो चलिए शुरू करते हैं आज दूसरे ब्लॉग में। मैं थोड़ा बहुत गांव का काम दिखाऊं, और मेरे गांव में जो मेरा काका का होम स्टे ऊपर दिख रहा है, ये नांगला होम स्टे, और नीचे भी एक होम स्टे और वहाँ भी होम स्टे। तो वो सारा होम स्टे आज कवर करने की कोशिश करूँगा और दिखाने की कोशिश करूँगा, और बाकी डेली रूटीन जो होता है गाँव का वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का छोटा सा ब्लॉग। और आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। ये है आई लव यू फूल, इसको तारा फूल भी कहते हैं, लेकिन हमारे इधर के लोग इसको कॉमन लैंग्वेज में आई लव यू फूल कहते हैं, क्योंकि इसका जो ये बाहर का पत्ता होता है ये बिल्कुल आई लव यू जैसा। अभी देखना, मैं आप सबको तोड़ के दिखाता हूँ। आई एल ओ ई ई वाई ओ यू आई लव यू, इसीलिए इसका आई लव यू फूल भी कहते हैं हमें लोकल लैंग्वेज में। तो अभी मैं यहाँ से थोड़ा नीचे ही है घर काका का, जहाँ पे होम स्टे है वहाँ तक जा रहा हूँ, और आप लोगों को पूरा होम स्टे दिखाने का कोशिश करूँगा, कि बनी रहेगा ब्लॉग पर। ये है हमारा यहाँ का इलायची कार्डम, ये देखिए इस तरह से फलते हैं इलायची। ये है इलायची, तो दोस्तों अभी आप सबको मैं कराऊंगा मैग्नोलिया फार्म स्टे का दर्शन, और बाहर जितने भी कलर कलर के फूल फूल गदवारी फूल वगैरह फूल है ना, वो सारे भी दिखाऊंगा, देखना बहुत अच्छा है। तो दोस्तों अभी फाइनली मैं आ रहा हूँ मैग्नोलिया फार्म स्टे पे। आप देख सकते हैं पीछे, ये हमारा काका का होम स्टे। और आप लोग यहाँ पर आना चाहते हो तो प्लीज़ प्लीज़ आइएगा ज़रूर। मैं आप सबके
वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में नंबर और लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ पे जाकर आप विजिट कर सकते हो। तो अभी तो बाहर बाहर का मैंने जरा दिखाना, अभी अंदर का भी दिखाऊँगा, अभी कोई नहीं है यहाँ पे, वैसे खुला है, इसीलिए मैं सारा अंदर का भी आपको नज़र दिखाऊँगा। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो दे होम स्टे को अनबॉक्सिंग किया था, यानी होम स्टे का अंदर का सारा जो क्या क्या है सब खोल के दिखाया था। तो आज फिर भी मुझे एक मौका मिला, आज भी दोबारा से आप सबको मैं अंदर का सारा नज़र दिखाऊंगा ब्लॉग पर। तो ये है किचन वाला भाग, ये है पूरा किचन का नजारा, और ये है ड्राइंग रूम। यहाँ बैठ के आप लोग आराम से चाय पी के मस्त सुंदर वातावरण का मजा ले सकते हो। तो अभी मैंने आप सबको किचन दिखा दिया है, अभी ऊपर वाला मंजिल पे जा रहा हूँ। ऊपर दो मंजिल है और उनका इधर टॉयलेट बाथरूम है, टॉयलेट बाथरूम किस लिए दिखाना। और ये है रूम जहाँ मैं, ये देखिए सारा मेरीगोल्ड दो कलर के खिल रखा है यहाँ पे। ये ऊपर है मेरा घर, ये है होम स्टे का अंदर का नजारा। ये देखिए काफी बढ़िया, यहाँ से सीधा खिड़की से आप सबको सिक्किम देखने को मिलेगा दोस्तों। ये दिख रहा है पूरा सिक्किम है, और इस तरफ सुबह सुबह सनराइजिंग का भी मजा लेने का मौका मिलेगा आप सबको। मैं मिस्टर के बिल्कुल अंदर हूँ, अंदर का नजारा आप सबको दिखा रहा हूँ। इससे पहले भी एक बार मैंने आप सबको अंदर पूरा वीडियो दिखा दिया था, आज फिर से एक और दिखा रहा हूँ, अभी देखते रहिएगा। सेकेंड फ्लोर, तो अभी यहाँ से ऊपर भी एक और मंजिल है, मैं दिखाने का कोशिश करूंगा। सारे लोकल पाइन से बना हुआ है, ये है टॉप फ्लोर। यहाँ से भी आप लोग सुबह का अच्छा सा नज़ारा ले सकते हो, बिल्कुल बढ़िया सा व्यू। ये देखिए और यहाँ से एक बरंडा है बाहर की तरफ पैसेस, यहाँ से तो और अच्छी तरीके से बाहर की तरफ दिखा देता है, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ये पैसेज बाहर का व्यू देखने के लिए,
यहाँ पे बैठ के सुबह सुबह इस तरीके से आराम से बैठ के यहाँ बाहर का व्यू देख सकते हो, बाहर का अच्छा अच्छा व्यू देख सकते हो। बहुत बढ़िया जगह है यहाँ पे, बिल्कुल शांत एकदम। और जो स्टडी करने के लिए आते हैं ना, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और घूमने के लिए तो आते हैं बेसिकली संबलपुर भारत वगैरह और के संबंध में जो भी इस इलाके में घूमने के लिए आते हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट जगह ये मैग्नोलिया फैमस की। अगर आप अपने देखना चाहते हो, आना चाहते हो, कमेंट करें। कमेंट आप सबको मैं यहाँ का संपर्क नंबर भी दे दूँगा। यहाँ पर आके दो तीन दिन रुक के आराम से सारे गांव का मजा लेके, नज़ारा का मजा लेके आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। तो ब्लॉग अभी ख़त्म नहीं हुआ, ब्लॉग और है, तो बने रहकर ब्लॉग पर। तो मैंने यहाँ का सारा जो नज़ारा है, सारा व्यू है, आप सबको दिखा दिया, अंदर का भी दिखा दिया, बाहर का भी दिखा दिया। अभी कोई नहीं करते, सारे लोग कहीं गए हुए, इसलिए अब मैं लोगों से भी आप सबको इंट्रोड्यूस करा देता, लेकिन अभी मौका नहीं मिला। चलो किसी न किसी दिन फिर से आएंगे, तब फिर से मौका मिलेगा तब लेंगे। आसाम का भी इंटरव्यू लेना है यहाँ का, ये मैंने सोचा था पहले भी, लेकिन नहीं हुआ, इस बार भी नहीं हुआ। अगली बात जरूर करेंगे। अभी यहाँ पे है गोदावरी फूल, सॉरी बेगुनिया। बेगुनिया का भी वेराइटीज आप लोग देखिए, कितना वेराइटीज है यहाँ पे बेगुनिया का। अभी बेगुनिया फूल जो है, ये इसका सीज़न ख़त्म होने वाला है, तो ये सीज़न ख़त्म हो गया। और ये सीज़न पे होता है ना, तो और अच्छा दिखता। अभी ये जितने भी आप दिख रहे हो बेगुनिया, सारा ये ख़त्म होने वाला है, लास्ट है, एंडिंग वाला है। ये है मैग्नोलिया फार्म स्टे का एंट्रेंस गेट, यहाँ से अंदर जाना है। ये भी है आई लव यू फूल, ये लेकिन सफ़ेद कलर में है, दो कलर में मिलते हैं, एक पिंक में एक सफ़ेद में, तो ये है सफ़ेद कलर में। ये है चिमपिंग, एक मेडिकल प्लांट है, और इसका चटनी बना के अचार भी खाया जाता है इसको, आलू के साथ दाल में भी बढ़िया होता है, और ये दवाई भी होता है। इस हमारा जो नेपाली लोग होते हैं, इसको बहुत ढूंढते हैं, अच्छी तरह से बना के खाते हैं। इसका सीज़न ख़त्म होने का पीला पीला हो रखा है। ये है खराने चू, खाने में बहुत टेस्टी होता है, लेकिन बहुत कम निकला है, ज़्यादा होने से तो ये मैं उठा के खा भी लेता। वाइल्ड मशरूम, ओए भाई तो खाचस चू खाचस। साथ में इधर बहुत सारे पॉइजनस मशरूम भी निकल रखे हैं, छोटे छोटे, ये देखिए। को इसको मालिक चाहिए? हाँ राजू दा, कुकुर हो तिम्रो है ना? कत्र छ तिम्रो कुकुर? ठुलो ठुलो छ? आज किन स्कुल नगएको रे? के बिमार? अब भाइ मार्गी लागि मैले अलिक पर जाऊ, सहर छ मार्गी, थाहा छैन।
जांग मैं खेले जांग मुस में जांग मैं जांग मुस खेले जांग मैं उदेश विंटर छुट्टी मजा ल खाए रहा दामी होता है टेस्ट हाँ खाने है ना क्यों है जी कोल की रात को कौन की रात को हाँ कौन की रात है हाँ सीट पे की रात है ओ हाँ कुकर है कौन सा कुकर है जो बच्चे नहीं हैं उसने नहीं योरा आप कुकर को चिकी हाँ योगी जो नाम है बिसी की हाँ ये बाइरो योगी हाँ इसी बारे में तुम्हें जो कुकर आना मतलब डाल योरा टोके ना हाँ ये तो बाइयो की बाइनी हो ऊपर लगे बाइयो आसम खांचा है एक बगर लाइक है बहु बोला क्या खाले ये है हमारा यहाँ हमारा कीवी का खेती हमारा नहीं है हमारा यहाँ पे सिस्टर का है उनके यहाँ पे कीवी की खेती लगा रखी है तो मैं आप सबको दिखाऊंगा कीवी इस तरह से लगा हुआ है देख सकते हैं आप लोग कीवी काफी अच्छा फल भी दे रहा है कीवी का है यहाँ के नीचे सारे इस तरफ और उस तरफ पूरा कीवी लगा रखा है अभी छोटे छोटे निकल रहे हैं बाद में कीवी बड़ा हो जाएगा कीवी का खेती हम हमारे यहाँ पे कीवी हो गया कई सारे फल फ्रूट से लेकर एप्पल भी हमारे यहाँ अगर लगाया गया टाइम पर लगाया गया तो एप्पल भी निकलता है हमारे यहाँ काफ़ी अच्छे प्लेस है हमारे यहाँ बस्ती है लेकिन काफ़ी बढ़िया जगह है ये है पूरा टूटने का फूल अभी दिख रहा है बढ़िया से सिक्किम जितने भी दिख रहे हैं ना पूरा सिक्किम है ये दोस्तों हमारा यहाँ का मक्का हरा मक्की बाकी जगह पे तो अभी पूरा सूख के भी खत्म हो गया लेकिन हमारे यहाँ पे अभी तक स्टील है क्योंकि हमारा यहाँ ठंडा इलाका है इसीलिए कुछ भी फल फूल साग सब्जी थोड़ा देर से होता है बाकी जगह से तो अभी मैं हूँ बिल्कुल मक्की के खेत के अंदर ये हमारे यहाँ का मक्की ये देखिए अभी तक इसमें हरा हरा है मतलब वो नहीं हुआ अभी तक अभी भी इसको हम लोग बॉयल करके और आग में सेक कर खा सकते हैं इतना अभी इसमें रस है और टेस्टी है बाकी जगह अभी सूख के भी ख़त्म हो गया सारा मक्की हमारे यहाँ पर अभी तक है तो इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि हमारा जो गाँव है ज़्यादा हाइट पर है बिल्कुल ठंडे इलाका पर है तो आज का जो ब्लॉग है थोड़ा बहुत मेरा सेकंड पार्ट है पहला पार्ट तो मैंने ख़त्म कर दिया तो आज सेकंड पार्ट ही बनी रहेगा सेकंड पार्ट पर
अभी मैं जा रहा हूँ गांव घूमने, बड़ा गांव नहीं मेरा, यहाँ पे बस से लेकर पा रहा था वो सारा दिखाने के लिए। ये बाइक झाड़ी में छुप के बैठा है, ये हमारा गांव का ब्लैक टॉप रास्ता जहाँ से गाड़ी चलती है। यहाँ से ऊपर थोड़ा सा और नीचे थोड़ा सा गांव है हमारा, वो सारा आज के ब्लॉक में कवर करेंगे, ठीक है। तो पार्ट टू ब्लॉक में बने रहेगा आप लोग, पार्ट टू ब्लॉक छोटा और अच्छा ही बनाने वाला हूँ अभी मैं। तो भाई हमारा यहाँ पे सारे लोग कैसे सीजी शीट यानी कि टीना का ऊपर छत लगाकर घर बनाते हैं पहाड़ी इलाके में। आप कितने भी अच्छे बिल्डिंग बना लें नीचे से, लेकिन ऊपर ही मंजिला तो होते ना वहाँ पे। हमारे यहाँ सारे लोग टीना लगा के बिल्कुल छाना निकालते हैं, छत निकालते हैं इस टाइप से। अभी हमारे इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि छत में कपड़े सुखा नहीं सकते हम लोग। ये भी अभी अंडर मेंटेनेंस है, बंद रहा है, पेम्बा का घर है ये। और यहाँ पे नीचे जंगल के अंदर एक घर है हमारा गांव का IFS ऑफिसर यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एक DFO है सुरसंग शेरपा, उनका भी यहाँ घर है। वो भी आज के ब्लॉग में मैं आप सबको दिखाऊंगा। और यहाँ पे जो जंगल है, बचपन में तो हम इसी जंगल के अंदर खेलते थे कूदते थे, अभी जमाने के साथ उम्र के साथ हम लोग बुढ़े हो गए तो उछल कूद तो कर नहीं सकते बंदर की तरह, लेकिन अभी देख सकते और याद कर सकते वो दिन जब हम लोग बच्चे थे बिल्कुल बंदर की तरह ऐसे पेड़ पुड़ में ना इधर से उधर छलांग मारते थे, बहुत मज़ा आता था। आजकल के बच्चे ये सब करता नहीं है, लेकिन क्या है बताने में भी दिखाने में मज़ा आता है, वो भी क्या ज़माना था। तो अभी मेरा जो गाँव का पार्ट टू ब्लॉग है तो फिर बाद में तो आता रहेगा ब्लॉग, अभी के लिए पार्ट टू है, बस दो ब्लॉग है गाँव का, देखते रहेगा ब्लॉग। तो हमारा गांव में अभी तक वो क्या बोलते ब्लैक टॉप होता है ना, अला कतरा वाला रास्ता आया ही नहीं। तो हमारा गांव में इस टाइप का गांव का लोगों ने पैसा इकट्ठा करके, जो अमीर अमीर है जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा सीमेंट देता है, और जो मिडिल क्लास और गरीब लोग हैं वो कम पैसा देता है, इस तरह से सीमेंट लेके ये रोड बनाया है गाँव तक गाड़ी आने के लिए सुविधा के लिए। तो ये है भाई DFO का घर, IFS अफसर का घर है, इसको मैं नजदीक से भी दिखाऊंगा आप लोगों को। और इस बीच में भी एक घर है हमारा फेमस चीज़ों का। तो हमारे गांव में ज़्यादा घर नहीं है, 10 से लेकर 12 घर है, और वो सारे ब्लॉक में आज आप लोगों को दिखाई देता हूँ कि मेरा गांव कैसे दिखता है, ठीक है। तो गांव का जो स्टार्टिंग है यही घर से शुरू होता है, ये है DFO का घर। तो हमारा गांव का स्टार्टिंग घर यही है, यहाँ से आगे हमारा गांव है और यहाँ खड़े थे वो ऊपर तक है गांव घर। तो वो भी आज कवर करने की कोशिश करूँगा, आप लोगों को दिखाऊंगा मेरा छोटा सा गांव कैसा है पहाड़ों में, ठीक है। तो बनी रहेगा ब्लॉग पर। अभी यहाँ से स्टार्टिंग है हमारा गांव का फर्स्ट पहला घर,
ये दूसरा घर, ये देखिए ये है हमारा पूरा गांव। यहाँ जंगल के नीचे एक तो घर है, जो मेरा घर भी वहीं पड़ता है, दिखाई नहीं देता, ऊपर ऊपर का यही है। हमारा जो गांव है ना, बिल्कुल छोटा गांव है, लेकिन हमारा भारत में देश के लिए यहाँ से बड़े बड़े लोगों ने जन्म लिया है। अभी हमारे गांव में से, इतने छोटे गांव में से IAS अफसर है, IPS अफसर है, IFS अफसर है, डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, और ये छोटे मोटे कई सारे जॉब करने वाले लोग तो बहुत सारे देश के जवान, सेना के जवान हैं। एक तो मैं हूँ, मेरे जैसे देश का रक्षा करने वाले भी बहुत सारे पैदा किए इस गाँव ने। एक प्राउड फील होता है कि इतने छोटे से गांव में भी बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर से लेकर सारे लोग है गांव में। तो एक प्राउड फील होता है कि हमारा छोटा सा गांव से भी लोग बड़े बड़े देश के सेवा के लिए, देश के लिए काम आ रहा है। तो गांव छोटा है, लेकिन लोगों का दिल बहुत बड़ा है हमारे गांव में। तो ये देखिए, इधर पहले हमारा बड़े चाचा जी का घर हुआ करता था, अभी चाचा जी तो गांव छोड़ के शहर में सेटल हो गए, उनका ये निशानी रहेगा ये पीछे वाला घर। ये है गांव का ऑर्गेनिक डस्टबिन। गांव में कुछ भी आप लोग खाओ पियो और जितने भी पैकिंग मटेरियल्स होते हैं ना, जो प्लास्टिक का, वो इस तरह से कूड़ेदान में लगाए। मैजिक देखो, मैजिक छू मिलता वो जादू। अभी जहाँ पे मैं पहुँच हूँ, ये है नीचे नांगलो होम स्टे रागलबो का। ये देखिए तो यहाँ तक ही हमारा गांव, ये ऊपर भी है गांव, इसको कहते बुलबुले। तो आज का मेरा ब्लॉग में आप लोगों ने बुलबुले को भी देखा। ये है बुलबुले गांव, लास्ट यहीं तक गांव है, यहाँ से आके जंगल है बस हमारा गांव का अंतिम घर।
तो यही तक है हमारा गाँव। यहाँ से ऊपर फॉरेस्ट इलाका है जंगल। आज मैंने अपना सेकेंड ब्लॉक पे पूरा गाँव दिखा दिया आप लोगों को। आज का जो ब्लॉग है वो थोड़ा और लंबा करना था, लेकिन समय की वजह से इसको मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। ये आ गया अपना भाई। ए भाई भाई पता कोई छोटा सा है ब्लॉग आज का, तो कैसे लगा आप सब कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप लोग यहाँ पे पीछे देख रहे हो होमस्टे, वहाँ पे रुकना है और अच्छा लगा और आना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। मैं सारा लिंक दे दूँगा आपको और आप लोग आके यहाँ रुक के जा सकते हो। तो आज का ब्लॉग में इतना ही, तो अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे। तब तक लिए आप सबको टाटा बाय बाय।